हेलो गेमर, आप सभी का स्वागत है गेम फिल्म के चैनल में। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत कमाल धमाल और यार बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले एलाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में। अभी गाइस, बहुत से बंदे सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो यहाँ पर गरीना का रिप्लाई बताने वाला हूँ। गरीना ने हमें क्या रिप्लाई दिया इस इवेंट को लेकर, और यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस चुका हूँ, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, गाइस आज थी 25 सितंबर, और यहाँ पर गाइस हमने सोचा था कि गाइस आज सुबह सुबह इवेंट आएगा जिसमें आपको एलाइट पास डिस्काउंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस मिस्ट्री शॉप में ना तो एलीट पास आया, और सोचा था मैंने कि या तो लेवल ऑफ शॉप आ जाएगा या तो व्हील ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। और 25 तारीख हो चुकी है, बस 5 दिन बचाए और एलाइट पास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत से बंदों की एक्सपेक्टेशन थी कि एलाइट पास डिस्काउंट में आएगा और हम सब ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर गरीना ने कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर मैंने गरीना से बात की, मतलब गरीना के मॉडरेटर से, और यहाँ पर क्या रिप्लाई आता है, और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे चैनल का भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो चुका है, तो उस चीज़ को भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और गाइस, मैं आपकी बात गरीना तक पहुँचा चुका हूँ, तो उस वजह से गाइस प्लीज़ यार नीचे बैकअप लिंक दे रखा है चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद हो सकता है गरीना हमें स्ट्राइक दे सकता है। तो उस वजह से गाइस बैकअप लिंक नीचे है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब मार के बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर गाइस अभी बात कर लेते हैं गरीना का क्या रिप्लाई था। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद गरीना का रिप्लाई सुनेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप सभी को बता दूँ, आप सभी ने कभी सोचा मिस्ट्री शॉप में इस बार एलीट पास क्यों नहीं आया? किसी यूट्यूबर ने आपको बताया, कोई पॉइंट रखा कि भाई यार एलीट पास मिस्ट्री शॉप में क्यों नहीं आया? कोई रीज़न बताया? नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर गरीना ने जो दिमाग से सोच सकता है वो मैंने भी सोचा, और यहाँ पर क्या पॉइंट था गाइस, मनी हीस्ट का कोलेब्रेशन फ्री फायर से था, आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर गरीना ने क्या चालाकी लगाई मैं आपको बताता हूँ। मिस्ट्री शॉप में अगर मनी हीस्ट बंडल दिया गया है और साथ में अगर एलीट पास दे दिया जाता है, तो मनी हीस्ट बंडल की डिमांड कम हो जाएगी, लोग एलीट पास ज़्यादा परचेस करेंगे, अगर हम मार्केटिंग दिमाग से सोचे तो ये चीज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाता है कि गाइस एलीट पास क्यों नहीं दिया गया, ठीक है ना। मनी हीस्ट बंडल को ज़्यादा बिकवाने के लिए गाइस एलीट पास नहीं दिया गया, ये क्लियर पॉइंट है गाइस, ये मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, क्लियर पॉइंट है। एलीट पास इसलिए नहीं दिया गया मिस्ट्री शॉप पे। अब यहाँ पर बहुत से बंदों को ये क्वेश्चन है कि यार सुपरमार्केट है, किसी में तो एलीट पास दे देते, या फिर कोई इवेंट 25 तारीख 26 तारीख को दे दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता, पब्लिक के लिए भी बहुत खुशी हो जाती, क्योंकि यार एलीट पास का सब इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने गरीना के सामने रखा है, मतलब मॉडरेटर के सामने। तो यहाँ पर ये रिप्लाई आता है कि यहाँ पर फ्री फायर में कोई भी आइटम फिक्स नहीं है कि इस इवेंट में हम ये आइटम देंगे, किसी सर्वर में अलग आइटम आता है, किसी सर्वर में अलग आइटम आता है, ये सब आप सभी को पता ही होगा, और उन्होंने भी मुझे यही बोला। इसके बाद ये बोला कि मिस्ट्री शॉप में भी फिक्स नहीं है कि हर बार हम एलीट पास दें, मतलब उनके ऊपर रहता है कि भाई एलीट पास देना है कि नहीं देना है। तो अभी मैंने फिर उसके बाद ये पूछा कि कोई इवेंट आएगा व्हील ऑफ डिस्काउंट या फिर कुछ भी, मतलब इन 5 दिनों में, तो उन्होंने कहा इसका भी कोई फिक्स नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, सस्पेंस में मुझे छोड़ दिया यार, मतलब क्या ही बोलूँ, सस्पेंस में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, और मेरे को जहाँ तक लगा गाइस जिसे डीजे लोग आया था 1 दिन के लिए 199 डायमंड में, उसी तरीके से हो सकता है एलीट पास भी दिया जा सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई आज नहीं आया तो हो भी सकता है गाइस कल आ जाए या परसों आ जाए, मतलब आ भी सकता है गाइस, 1 दिन के लिए आए पर आ सकता है गाइस, अभी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। और गाइस यहाँ पर आपको मौका है गाइस, एक काम आप और कर सकते हो गाइस, यूट्यूब पे कोई भी यार गरीना फ्री फायर की लाइव चल रही है तो वहाँ पर स्पैम मार सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे स्पैम जाके मार सकते हो, ये काम आप कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर मैं भी कहूँगा आपको कि गाइस यार मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा स्पैम मारने में, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ एक उम्मीद और एक इंतजार ही बच चुका है और कुछ नहीं बचा है, मतलब गाइस सब सिर्फ हम इंतजार कर सकते हैं। मैंने अपना 100% दिया, रिप्लाई किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, सिर्फ एक हिंट मिला है कि हाँ इवेंट आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अभी हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, लेकिन ये 5 दिन में कभी भी इवेंट आ सकता है, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, आ सकता है गाइस, कल भी आ सकता है गाइस, और ये चीज़ यार मतलब कोई कन्फर्म नहीं है कि भाई यार 1 दिन के लिए इवेंट नहीं आता है, 1 दिन के लिए इवेंट भी आता है यार, मतलब फ्री फायर में डीजे लोग भी आया था 1 दिन के लिए, तो यहाँ पर इवेंट आता है, मतलब 1 दिन में भी आ जाता है। तो हो सकता है गरीना को थोड़ा एहसास हो और ये जो इवेंट है 1-2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। गाइस यार मैं बताऊँ ना तो यार गरीना को घोर पाप लगेगा अगर ये इवेंट गरीना नहीं देता है तो, क्योंकि यार बहुत दिल से बुरा लगेगा। तो यार मैं एक चीज़ बता दूँ आपको गाइस, मैंने मिस्ट्री शॉप जब देखा था ना तो मैंने सोचा था एलीट पास लूंगा उसमें से, लेकिन गाइस मिस्ट्री शॉप में एलीट पास नहीं आया,
फिर उसके बाद मैंने एलीट पास परचेस कर लिया था खुद ही। तो आप सभी यार जरूर बताओ यार कौन कौन बंदे हैं जो एलीट पास का इंतजार कर रहे थे और किन किन के एलीट पास के सपने सपने ही रह गए और यार हकीकत में नहीं बदल पाए, जो कि यार बहुत बुरा लग रहा है। दिल से कसम बता रहा हूं गाइस, अभी हम यार बस पाप दे सकते गरीना को और कुछ नहीं कर सकते जिससे वो इवेंट लेकर आए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो बाय फ्रेंड्स।